हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर बिहार का आपको पता है पहले आ चुका है फर्स्ट राउंड का रिजल्ट। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे, एक डिटेल एनालिसिस करते हैं बिहार के स्टूडेंट के लिए। देखिए, सेकेंड राउंड का क्या कटअप रहेगा, कौन से बच्चे अभी आपको बिहार के स्टूडेंट के लिए आपको पता है 630 के आसपास जनरल का कट ऑफ, और मैं एक बार डिटेल एनालिसिस भी करता हूं। लेकिन मैं बच्चे से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑल इंडिया से, क्योंकि आपके नंबर अच्छे नहीं है, 600 के आसपास है, तो आप ऑल इंडिया से सीटें लें, क्योंकि बिहार के इस पे बैठेंगे तो आपके लिए मतलब सीट मिलने की मतलब संभावना बहुत कम है। और पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, जो जनरल वाले थे कट ऑफ ज्यादा चला गया था। तो इसलिए देखिए, इस बार ओबीसी का भी कट ऑफ ये ऑल इंडिया के से ज्यादा रहेगा बिहार में, ठीक है ना। ये आप लोग को डाटा देख के और रिजल्ट के बाद भी पता चल गया है, और हम एक बार देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ रहा। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट मैंने बताया था, एकदम बिल्कुल गलत साबित हुआ यहाँ पे। ये बताया था कि कोई ज्यादा ये नहीं है, मतलब 82 बच्चे कम है पिछले साल से। लेकिन हुआ क्या बिहार में, एक तो ये समझ में नहीं आता, मेरिट लिस्ट सही से नहीं निकाला जाता, प्रॉब्लम है ये कब रिजल्ट कैंसिल कर दे। अलॉटमेंट के बाद भी पिछले साल कैंसिल हो गया था, 2 कॉलेज थे जिसका सीट ही नहीं दिखाए हुए थे मैट्रिक्स में पिछले साल। तो और देखिए, मतलब बिहार का सीन ही अलग है, तो यहाँ पे थोड़ा मतलब इसलिए यहाँ का प्रिडिक्शन करना भी मतलब थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि क्या, क्योंकि हर चीज क्लियर नहीं है बिहार में। आप मेरिट लिस्ट जो है आप क्लियर नहीं कर रहे हो, आप 1-to-1 देते हो बच्चों को, मतलब एक से बिहार कुछ ही स्टेट ऐसे हैं, 2-3 होंगे मुश्किल से जो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो और एक पहली चीज, ऑनलाइन आप चेक करते हो और डोमिसाइल का ये है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मैं मानता हूँ कि बिहार में गड़बड़ है। और एक बार देखते हैं दोस्तों क्या कट ऑफ रही है। आप देखिए, 2020 में जो कट ऑफ है यूआर की 722 रैंक तक कॉलेज मिल गए थे, हम स्टेट रैंक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और इस बार एनएमएमसी गया मिला है 550 पे, ठीक है। एक बार हम डिटेल देख लेते हैं, बीसी को पिछले साल 402 पे मिला था, इस बार 352 नंबर पे फर्स्ट राउंड में मिला है, ठीक है, ये आपको मिल गया है। अब देखिए, आपको सेकेंड राउंड में कहां तक मिल सकता है। देखिए, इस बार कोई बिहार में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुई है, एक तो सीटें रिवर्ट होके आनी थी ऑल इंडिया से, वो नहीं आ रही, ठीक है। तो ज्यादा ये जो है यूआर के लिए जो सेकेंड राउंड है, ये 730 तक जाएगा, ठीक है ना। अगर 750 तक है मैक्सिमम, तो आप वेट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सेफ यही रहेगा, अगर इससे ऑल इंडिया में अगर इसके आसपास है, ऊपर है, तो आप बेटर है ऑल इंडिया से ले, ठीक है ना, आप वेट ना करें। अगर आपको ऑल इंडिया से मिल जाती है तो बीसी, देखिए लास्ट ईयर 402 पे गया था, इस बार 352 पे ESIC पटना मिला है, इनको भी बोलूंगा अगर इस रैंक के आसपास है, ठीक है, तो आप वेट करें, ठीक है, अदरवाइज आप ऑल इंडिया से लें, ठीक है। इसमें भी ज्यादा कुछ मतलब रैंक में पिछले साल के ज्यादा कुछ बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि कोई सीट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में जी कम हो गया है, वहां काफी सीटें बढ़ी थी, ठीक है ना। अब देखिए, ईबीसी का लास्ट ईयर 356 रैंक पे मिला था, इस बार 318 रैंक पे मधेपुरा मिला है। तो आप ये पिछले साल का ध्यान रखिएगा स्टेट रैंक, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ चेंजेज नहीं होगा, थोड़े बहुत का अंतर आ सकता है। तो EWS को 255 रैंक तक मिला था, इस बार आप समझ लीजिए यहाँ पे 270 रैंक तक मिल जाएगा। ये देखिए, इस बार 242 रैंक फर्स्ट राउंड गया है, मधेपुरा मिला है, ठीक है। SC की बात करें तो देखिए, 211 रैंक तक पिछले मिल गया था, इस बार 184 पे अभी मिला फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में जो 215 तक बच्चे जो हैं, या 220 रैंक तक सीटें मिलने की पूरी पूरी संभावना है। और RCG की बात करें, 235 जो है इनका लास्ट ईयर 235 स्टेट रैंक पे मिला था, इस बार 175 मधेपुरा मिला फर्स्ट राउंड में, इनका भी RCG में भी
अगर 235 के आसपास है तो आपको चांस है, ठीक है ना। एसटी की बात करें, ये 29 रैंक तक मिला था, ठीक है, इस बार 10 है। यहाँ अगर आपका 25 या 30 के आसपास है रैंक, एसटी वाले स्टेट रैंक, ठीक है ना, तो आपको मिलने की चांसेज है, ठीक है। ड्यू कोटा 103 रैंक तक मिल गया था, फर्स्ट राउंड 62 गया है, ठीक है। सेकेंड राउंड में अगर 105 रैंक तक आपका है तो आपको कॉलेजेज मिल जाएगी। अब देखिए, एक बार हम कॉलेज वाइज भी डिस्कस कर लेते हैं। ये कॉलेज वाइज आपको डाटा मैंने बता दिया है कि किसका एसटीएच रैंक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, एएनएमएमसी गया इसका 550, अगर दरभंगा जो कॉलेज है डीएमसीएच उसका 437 एसटीएच रैंक गया है लास्ट का। ईएसआईसी पटना का 509, ये हम बात कर रहे हैं जनरल की, ठीक है ना, ये जनरल कैटेगरी के लिए है, ठीक है। जेएलएनएम भागलपुर का 547 स्टेट रैंक, हम यहाँ पे स्टेट रैंक दिखा रहे हैं, ये आप मार्क्स मत समझ लेना, ठीक है ना। इस आप यहाँ पे देखेंगे बाबूपुरी का जो है 535 गया है, सबसे जो है एएनएमसी गया 550 जो लास्ट रैंक था जनरल के लिए गया है। आप देखिए यहाँ अगर आप बीसी की बात करेंगे तो यहाँ देखिए बीसी का स्टेट रैंक यहाँ पे दिया हुआ है सारे कॉलेज का, और मैं एक्सेल भी आपको डाउनलोड करके डाल दिया हूँ, आप जिस किस्म से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना, कि एक्सेल में कि आप फिल्टर करके देखेंगे कि कौन से कॉलेज में क्या कट ऑफ गया था। आप स्क्रीनशॉट भी लेके आप देख सकते हैं कि आपको सेकेंड राउंड में आपको हेल्प मिले, ठीक है ना। और ये देखिए ईबीसी कैटेगरी का ये रैंक तक कॉलेज मिल गया है, देख रहे हैं, ये है ईडब्ल्यूएस कॉलेज वाइज, ये एक्सेल मैं बता रहा हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, वहां से आप लोग डाउनलोड करके फिल्टर कर सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ आपको कैटेगरी में फिल्टर करना है, आपको कॉलेज दिख जाएगा, ठीक है ना, प्राइवेट गवर्नमेंट सबका आपका दिख जाएगा क्या कट ऑफ रहा, ठीक है। देखिए मैं कोई भी जो इस पे वर्क कर रहा हूँ, देखिए बिहार के लिए इतना टफ है, आप स्टेट रैंक दे रहे हो, स्टेट रैंक के सामने ऑल इंडिया रैंक नहीं है, तो मार्क्स एक्चुअल पता करना मतलब आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, इस रैंक पे बैठ के काफी टाइम लगाता है। इसलिए कोई भी आप देखे होंगे बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं वो ये नहीं कर पाते, मतलब कि ये स्टेट रैंक को कन्वर्ट करें ऑल इंडिया रैंक कितना था, फिर वो मार्क्स बताए एक एक चीजों को, तो ये काफी टफ हो जाता है एक तरह से बिहार के केस में, ठीक है ना। ये आरसीजी का हो गया। अब एससी की बात करें तो कॉलेज वाइज ये डाटा रहा कि कौन सा क्या क्लोजिंग कट ऑफ रहा है, आपको एक क्लोजिंग कट ऑफ देखना है, ये ओपनिंग है, ओपनिंग नहीं देखना, आप क्लोजिंग देखो, इसके हिसाब से आपका मिल सकता है। ये देखिए एसटी का है और ये डीक्यू कोटा का है, ठीक है दोस्तों। और तो ये आपको आपके पिछले स्टेट रैंक से एक आइडिया लग गया कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्यादा कुछ बिहार में चेंजेज नहीं हो जाने जा रहा, तो बिहार के स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप ऑल इंडिया से जितना सीटें हैं वो लीजिए, ठीक है, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर कोई भी फ्री हेल्प की जरूरत हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू, बाय।